सो कैसे हैं? आज 13 सितंबर है 2020 है, और एक शेयर लेके आया था NIIT लिमिटेड। इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ हुआ है और 110-115 का ये जो इसका रेसिस्टेंस था 2006-07 से ये नहीं तोड़ पा रहा था, उसको तोड़ा हुआ है। अच्छा खासा मोमेंटम है। इनफैक्ट प्रोमोटर ने भी अपनी जो 2007 के बाद आप देखेंगे तो प्रोमोटर ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और सबसे अच्छी बात है कि FII भी इसमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, अपनी अच्छे अपने को पोजीशन को बढ़ा रहा है। आज 11 सितंबर 2020 को जो ये क्लोज हुआ था 131.50 रुपये पे क्लोज हुआ था, और NSE पे, और 131.65 रुपये BSE पे। इसके भी स्ट्रेंथ देखेंगे तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट मार्जिन में हो रहा है, कंपेयरिंग विद 0 प्रमोटर प्लेस है, हाई डिविडेंड्स है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है प्राइस में, और कंपनी लो डेप्ट है इसमें। FII इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन ए मंथ, ये सब चीज़ें इनके बारे में। अब देखिए कहाँ सितंबर 2000 में 34% प्रमोटर का हुआ करता था, वो गिरते 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 30-31% पे आ गया था। अगेन अब दिसंबर 2019 में 34% हो गया है, मार्च में भी 34 रहा, और अब ये देखिए FII जो अपने पोजीशन को 17 से 2017 में भी 17% थी, आज के डेट में देखेंगे तो 14-13% तक गई थी लो 2019 में, फिर यहाँ से 2019 से एक्वायर करना चालू की, और आज 19% पे FII है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा चीज़ है। और चार्ट में देखिए ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ये आपको यहीं लगभग ये फॉल जो किया था लगभग 2001 के आसपास से ये फॉल हुआ था यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, बट इसने यहाँ पे एक बार कोशिश किया था निकलने का, यहाँ पे 2007 में नहीं निकला, फिर उसके बाद यहाँ पे 2015 में निकलने की कोशिश की, नहीं निकला, फिर 16 में, फिर 17 में, 18 में, 19 में, और ये फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे भी आप देखिए ये ब्रेकआउट होते हुए आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ आपको दिख रहा है। CMP 131.50 रुपये है, और पहला टारगेट जो आपको दिख सकता है ये इस पे जा सकता है 168 रुपये के आसपास, ये जाते हुए आपको पहला टारगेट हो सकता है 168 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ दिखे। और ये ऐसा नहीं कि ये क्रॉस नहीं करेगा, जो इसका पहला रेसिस्टेंस है वहाँ पे रेसिस्टेंस है, थोड़ा मोड़ा रेसिस्ट करेगा, और इसे भी क्रॉस करते हुए आपको आगे की ओर निकलेगा, और फिर दूसरा रेसिस्टेंस जाएगा 247 के आसपास जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरा जो है 271 के आसपास जा सकता है, तो पहला 163-168 के आसपास जाएगा आपको, 163-168 के आसपास है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के आसपास आपको लगेगा, और फिर यहाँ से क्रॉस करते हैं तो 271 की ओर जाते हुए दिख सकता है। NIIT में आप देखेंगे शेयर होल्डिंग परसेंटेज में, तो देखिए यहाँ पे चूंकि मार्च से कंपेयर किया इसलिए आपको 34 का 34 दिख रहा है, लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि ये यहाँ पे घट के 34% प्रोमोटर्स का जो था घटते घटते 31% तक हो चुका था, ये 31.47% लोएस्ट है, 35 दिसंबर में, 31.47 सितंबर 2019 में था, यहाँ पे आपको यहाँ नहीं शो हो रहा, वो वैसा शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 34 का 34 FII देखिए 17 से 19% हो रहा है, ये प्रोमोटर प्लीज कुछ भी नहीं है। तो रिटर्न आप बोल सकते हैं कि आप देखिए कंटिन्यू ये अभी रिटर्न दे रहा है, 3 मंथ्स हो, 1 डे हो, जो भी हो, ईयरली रिटर्न देखिए तो कंटिन्यूस ये रिटर्न 45% 37% दिया हुआ है, 3 महीने में 45% का रिटर्न दिया हुआ है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है इसमें NIIT टेक में, हो सकता है आप इसको देखें, वॉच लिस्ट पे रखें, और कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। NIIT टेक अच्छा स्क्रिप्ट है, ओपिनियन है, ये मेरा व्यू है, हो सकता है ये आपको 168 की ओर जाते हुए दिखे। डिलीवरी परसेंटेज भी देखें तो 40% के आसपास है, और रिसेंटली इसने अपने सारे डेमा को तोड़ते हुए, चाहे 230 हो 50 हो, सबको तोड़ते हुए आगे की ओर निकल चुका है। तो ये मेरा ओपिनियन है, व्यू है कि NIIT टेक में एक ब्रेकआउट है, तो आप इसको 160 के जाते हुए देख सकते हैं, बट ये पेपर ट्रेड करें, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।